Good morning students, today we will start exercise 7.5 of chapter 7 fractions. So our exercise 7.5 ka first question hai, write these fractions appropriately as addition or subtraction. Hamare paas kuch figure given hai, theek hai, unme hum kuch shaded part de rakhe hain. Sabse pehle hum in figures ke fractions likh lene hain and then we have to find out ki wo add hue hain ya usme subtraction ki property lagi hai. Theek hai, स्टार्ट करते हैं. जैसे फर्स्ट फिगर हमारे पास रेक्टेंगल के हैं, तो इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है रेक्टेंगल? 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वाले रेक्टेंगल में कितना पार्ट शेडेड है? ओनली 1 पार्ट शेडेड है. और हम फ्रैक्शंस को कैसे लिखते हैं ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सीख के आ चुके हैं और हमें आना भी चाहिए क्योंकि अब हम एक्सरसाइज 7.5 पर पहुँच चुके हैं. तो देखो यहाँ पर वह एक पार्ट शेडेड है, जो पार्ट शेडेड होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं तो 1, और टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये 5. तो मतलब 5 पार्ट में से 1 पार्ट इसका शेडेड है. उसी तरह से सेकंड फिगर में अगर देखें रेक्टेंगल के, तो टोटल पार्ट्स कितने? 5 ही हैं. और कितने पार्ट शेडेड हैं? 2 शेडेड है. तो यहाँ पर आ गया 2 / 5. सेकेंड वाले फिगर का फ्रैक्शन बना 2 / 5. देन लास्ट जो फिगर है, जब हम इन दो फिगरों में या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो इक्वल्स टू जो थर्ड फिगर हमें दे रखा है वो क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा. जो भी दो फिगर स्टार्टिंग के दे रखे हैं अगर हम उन्हें एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको थर्ड फिगर दे रखा है इक्वल्स टू में. ठीक है, तो अगर हम थर्ड फिगर देखें तो उसमें अगेन हमारे पास 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें कितने पार्ट शेडेड है? 3 पार्ट शेडेड है. तो उसका फ्रैक्शन क्या बना? 3 / 5. ठीक है, ये तो हमने लिख लिए फ्रैक्शन. अब हमें बताना है कि इसमें एडिशन की प्रॉपर्टी लगी है सब्ट्रैक्शन की. तो अगर हम देखें इन दोनों में अगर हम क्या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लास्ट वाला रिजल्ट बनेगा. तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. अगर मैं 2 में 1 को प्लस करती हूँ तो कितना बन जाता है? 3 बन जाता है. तो वहां पर 3 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस की प्रॉपर्टी लगी है. और दूसरा तरीका देखने का यह है कि 1 2 3, जब हम इन तीनों को प्लस कर रहे हैं तो हमको तीसरे वाले फिगर में कितने पार्ट शेडेड मिल रहे हैं? 3 पार्ट शेडेड. तो इसका मतलब फर्स्ट वाले में क्या होगा? एडिशन. देन सेकंड बी फिगर में दिए रखे कुछ सर्कल्स के, और वो सर्कल्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं? अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो फर्स्ट सर्किल है उसमें 5 पार्ट्स में तो वो डिवाइडेड है और 5 के 5 जो पार्ट्स हैं वो क्या है? शेडेड है. तो इसका फ्रैक्शन कितना बना? 5 / 5. जो सेकंड सर्किल है अगेन उसमें वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें कितने शेडेड पार्ट हैं? 1 2 3. तो इसमें कितने शेडेड पार्ट हैं? तो ऊपर लिखने शेडेड पार्ट और 3 / 5. तो इसका फ्रैक्शन क्या बना? 3 / 5. जो इक्वल्स टू की उधर दे रखा है, इक्वल्स टू में कितने दे रखे हैं? अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और कितने पार्ट शेडेड है? 2. तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा? 2 / 5. ठीक है, तो देखो इन दोनों में हम एडिशन करेंगे या हम इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे हमें अभी नहीं पता, तो उससे क्या होगा? थर्ड वाला जो सर्किल है वो बन रहा है. तो देखो है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम है, सबके 5 5 पार्ट्स करे हुए हैं. अगर मैं 5 में 3 को प्लस करती हूँ तो इसका रिजल्ट 8 बनना चाहिए था. तो यहाँ पर 8 बन रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर तो 2 बन रहा है. पर अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करती हूँ तो 2 आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा. हमने 5 में से 3 माइनस किया तो ऊपर क्या बना? 2. तो इसका मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है. नाउ सी हमें क्या गिवन है? अगेन हमें कुछ फिगर्स गिवन है. ठीक है, देखो इसमें क्या है, हमें सर्कल्स गिवन है. कितने सर्कल गिवन है? 6 सर्कल है, जिसमें से फर्स्ट वाले फिगर में 2 सर्कल शेडेड है. तो इसका क्या बन गया? 2 / 6 फ्रैक्शन बन गया. उसी तरह से सेकंड फिगर में अगेन 6 सर्कल है और 6 में से 3 शेडेड है. तो क्या फ्रैक्शन बना? 3 / 6. और लास्ट वाले फिगर में अगेन 6 सर्किल है और कितने शेडेड हैं? 5 शेडेड है, है ना. तो अभी हमने उनके फ्रैक्शन लिखे, हमने बताया इसमें एडिशन लगाया कि सब्ट्रैक्शन. तो देखो सब में 6 सर्किल थे, ठीक है, तो 6 आगे सबके दिखे. अब अगर मैं 2 में 3 माइनस करती हूँ तो 1 बचता है, तो पर वहां पर तो आ रहा है 5. अगर मैं 2 में 3 ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा? 5. इसका मतलब जब हम इस वाले को इससे ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट में क्या बनेगा? लास्ट वाला फिगर जिसमें कितना फ्रैक्शन है? 5 / 6. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सॉल्व. हमें कुछ फ्रैक्शन गिवन है, उनको हमको सॉल्व करना है. ठीक है, सबसे पहले हमने आपका फ्रैक्शन गिवन है 1
1 डिवाइडेड 18 और 1 डिवाइडेड 18 में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने की जरूरत नहीं है। तो डिनोमिनेटर दोनों के क्या आ गए 18। ऊपर 1 प्लस 1 कर देंगे हम, तो 1 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास 2, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है हमारे पास 18। ठीक है, तो कितना आ गया 2 डिवाइडेड 18। क्या हम 2 डिवाइडेड 18 को रिड्यूस कर सकते हैं? यस, 2 के नेक्स्ट 18 जा सकता है कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो क्या सॉल्यूशन आया इस फ्रैक्शन का, 1 डिवाइड 9। ठीक है, उसी तरह से भी बी हमें कितना गिवन है, 8 डिवाइडेड 15 प्लस 3 डिवाइडेड 15। सेम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों का क्या आ गया 15। ठीक है, 8 में 3 को जोड़ोगे, 8 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास 11, तो 8 प्लस 3 को हमको प्लस करना है, जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 और डिवाइड हमारे पास चल रहा है 15, तो बी का आंसर आ गया हमारे पास 11 डिवाइडेड 15। नाउ सी है हमारे पास 7 डिवाइडेड 7 माइनस 5 डिवाइडेड 7। अब हमें प्लस ना करके क्या करना है, माइनस करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमने ले लिया 7। ठीक है, 7 में से 5 माइनस करेंगे हम तो कितना बचता है 2 बचता है, तो यहाँ पर आ गया 2 और डिनोमिनेटर में हमारा चल रहा है 7। देन डी हमें कितना गिवन है, 1 डिवाइडेड 22 प्लस 21 डिवाइडेड 22। क्या करना है, एडिशन करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 22। ठीक है, एक बार लिख दिया हमने, ऐड कर देंगे, 1 को ऐड करेंगे 21 में, जब आप 21 में 1 को ऐड करते हो तो कितना आता है 22, और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है 22। तो 22 और 22 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, कितने टाइम्स जाते हैं 1 टाइम जाते हैं, 21 वन सा 21 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 1। उसके बाद ई कितना रखा है हमें, 12 डिवाइडेड 15 माइनस 7 डिवाइडेड 15। माइनस करना है, दोनों के डिनोमिनेटर वापस से सेम है तो हमने ले लिया 15। 12 में से 7 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 12 में से हमें 7 को माइनस करना है तो हमारे पास बचेगा 5 और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 के नेक्स्ट 15 को काट दें, कैंसिल हो सकता है और रिड्यूस हो सकता है, यस 5 1 सा 5 और 5 3 सा 15, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 1 डिवाइडेड 3। नाउ एफ हमें कितना गिवन है, 5 डिवाइडेड 8 प्लस 3 डिवाइडेड 8। इसको सॉल्व करते हैं, देखो अगेन के डिनोमिनेटर सेम है तो हमने लिख दिया 8। 5 में 3 को ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 तो कितना आता है 8 और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है 8। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड 8, सो कैंसिल करेंगे, जा सकता है कितना टाइम जाएगा 1 टाइम, क्योंकि 8 वन से कितना होता है 8, तो आंसर आया हमारे पास 8। देन है जी हमें रखा है 1 माइनस 2 डिवाइडेड 3। ठीक है, तो देखो इस बार हमें एक नंबर दिया है और एक फ्रैक्शन दिया है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर हमारे पास जिनके पास डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, जिनके पास कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है इसका मतलब वहाँ पर क्या है 1 है, तो हमने इसके नीचे लगा दिया 1। अब क्या है, इनके सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, अभी तक जो हमने ऊपर बात करी इसमें डिनोमिनेटर सेम थे और हम सिंपल सा न्यूमरेटर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, पर यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं हमको पता है, हम नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, तो 1 और 3 का कितना आता है एलसीएम 3 आता है, तो कॉमन आ गया इनका एलसीएम 3। ठीक है, अब देखो 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो इस वाले 1 का हम इंटू करेंगे 3 से, देन 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, तो 2 को इंटू कर दिया हमने 1 से, सो 3 1 का कितना होता है 3 माइनस 2 1 का कितना होता है 2। ठीक है, अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3 में से 2 को माइनस करा कितना बचा 1 और नीचे क्या चल रहा है हमारा 3, तो हमारे पास फ्रैक्शन आया 1 डिवाइडेड 3। नाउ h 1 डिवाइडेड 4 प्लस 0, देखो कभी भी हम 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो अगेन हमको वही वे वैल्यू मिलती है, तो हम इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर 0 में हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे, चाहे 0 में हम 1 ऐड करें, चाहे हम 0 में 2 ऐड करें, चाहे 0 में हम 3 ऐड करें, हमें वापस क्या मिलेगा 1 2 3। उसी तरह से अगर हमने 0 में 1 डिवाइडेड 4 ऐड करा तो हमें वापस क्या
वन डिवाइडेड फोर. देन आई क्या कह रहा है भाई, थ्री माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड फाइव. ठीक है, तो देखो इसके पीछे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे. तो उसी तरह से हमने यहाँ पर वन लगा दिया. हमें इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा क्योंकि एक है हमारे पास वन और एक है फाइव, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो क्या करेंगे, वन और फाइव का एलसीएम लेंगे. तो वन और फाइव का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, फाइव आ गया. ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, फाइव. अब फाइव को चेक करते हैं, वन के लिए फाइव आता है कितने टाइम्स, फाइव टाइम. तो थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से, माइनस फाइव के लिए कितने फाइव आता है वन टाइम, तो ट्वेल्व को हमने मल्टीप्लाई करा वन से. सॉल्व करें, थ्री फाइव से कितना होता है फिफ्टीन और ट्वेल्व वन से कितना होता है ट्वेल्व. माइनस चल रहा है माइनस करते हैं और डिवाइड भी क्या चल रहा है हमारा, फाइव. तो फिफ्टीन में से जब हम ट्वेल्व को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है थ्री और डिवाइड भी क्या चल रहा है हमारे पास, फाइव. तो हमारे पास फ्रैक्शन आया थ्री डिवाइडेड फाइव. तो यहाँ पर हुआ हमारा क्वेश्चन सेकेंड खत्म. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ.